तो इस मैदान में ज़रा ड्रोन उड़ा के थोड़ा फ्लिप करते हैं मैनुअल में। फर्स्ट टाइम फुल मैनुअल में फ्लिप करूँगा आउटडोर, क्योंकि एक बार क्या है वो छत पे वहाँ डर लग रहा था, बट अब ओपनली लेट मी ट्राई। अंदर घुस गया था तो ग्राउंड में पहुँच के आई वॉज रेडी टू फ्लाई इन मैनुअल मोड, जो कि एयर मोड था। अब यहाँ पे मैंने देखा कि मैं फ्लिप आराम से कर ले रहा हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि यार थ्रॉटल या तो मैं ज़्यादा नीचे कर रहा हूँ या क्या हो रहा है, ड्रोन नीचे आ जा रहा है। बट आई वॉज एबल टू डू दिस फर्स्ट टाइम, तो काफ़ी एक्साइटमेंट थी। लेकिन ये करते करते भाई बहुत बार ऐसे क्रैश हुआ क्योंकि थ्रॉटल मैं शायद ज़्यादा नीचे दे रहा हूँ, जैसे मैंने अभी बताया। एनीवेज फ्रंट फ्लिप साइड फ्लिप ये सब तो मैंने ईजिली कर ली, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो बहुत इंटरफेरेंस हो रहा है। अब ये इशू को रिजॉल्व मैं आगे की वीडियो में ट्राई करूँगा, पर यहाँ पे देखो फिर से हमारा क्रैश हो गया। काफ़ी क्रैश हुआ है लेकिन स्टिल द ड्रोन वॉज फ्लाइंग परफेक्टली फाइन। और जो भी तोड़ फोड़ चीज़ें हुई हैं वो तो घर आके ही पता चलेगा, बिकॉज अभी तो हमारा ड्रोन उड़ जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने क्लोज ऑब्जेक्ट से निकाल के देखा, और उसकी तो अच्छे से प्रैक्टिस है क्योंकि मैं इंडोर उड़ाता हूँ। बट यहाँ पे एक और फ्लिप मारा और यहाँ पे देख सकते हो कितनी ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रही है। बेसिकली घर के पास यहाँ पे बहुत सारे टावर हैं, मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं और ये सब, पर इसलिए इतना बुरा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्रैश हो गया, क्रैश के बाद पाइपों के बीच में चला गया था, वहाँ से उठा के भैया हमारा ड्रोन लाए, ड्रोन वॉज बैक, इट वॉज स्टिल फ्लाइंग। एंड देन हमारा टाइम आ गया था वापस जाने का, बिकॉज एक प्रोपेलर जो था वो दूर जाके गिर गया था। भाई ये पंख निकल गया उड़ाते हुए यहाँ से, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। और थोड़ा गंदा भी हो गया है, घासें लग गई हैं, सो इसको क्लीन कर लेता हूँ। बट मज़ा आ गया फर्स्ट टाइम, अब रिकॉर्ड हुआ बस ये देख लेता हूँ। तो यार इसका ये भी टूट गया है, इसको तो मैं चिपका लूँगा, मेरे पे एक्स्ट्रा भी है, मिल दिया है, वापस से यही वाले लगाएंगे जो हमारा पुराना था टूटा, बट अभी ये मज़बूत है। सो लेट मी ऐड दिस, बिकॉज अभी उड़ाना है मुझे इसलिए। भाई अब ज़रा यहाँ छत पे उड़ाते हैं क्योंकि हम वापस आ रहे हैं ऑब्वियसली, इसलिए। हम यहाँ पे देख सकते हो ड्रोन मेरे पास कितना पास उड़ा रहा हूँ मैं, स्टिल देयर इज़ इंटरफेरेंस। और इसलिए बहुत देर तो मैं उड़ा नहीं पाया क्योंकि वीडियो अपलोड वो वाला पार्ट करके क्या फ़ायदा, दिखेगा ही नहीं। ओके तो ये जो हमारा यार टूटा था एक प्रॉप गार्ड, इसको मैंने फेवी क्विक एक ग्लू है उससे चिपकाया, बट स्टिल यार ये चिपक ही नहीं रहा यार। इससे चिपकाया था, इसकी जो पावर है वो भी काफ़ी सही है। तो अभी यार फिर से करता हूँ इसको किसी तरह, अभी तो मैंने दूसरा लगा लिया है उसमें अपने ड्रोन में, इसको करते हैं। और हाँ मैं तुम्हें दिखाना भूल गया था, बेसिकली मैं अपने FPV में ऑलरेडी एक एंटीना मैं यूज़ कर रखा है, सर्कुलर पोलराइज एंटीना, और LHCP है बेसिकली, ये मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, स्टिल इतना इंटरफेरेंस है। तो वो मैं अगले वीडियो में तुम्हें दिखाऊंगा क्योंकि इशू मुझे पता चल गया, आई होप सो उसी की वजह से होगा। एनीवेज ये एंटीना यूज़ कर रहा था मैं। ओके तो ये एंटीना लगा देते हैं, ये तो लग गया है क्योंकि फुटेज आ रही है। एंड ये रहा हमारा एंटीना, तो ज़रा मैनुअल मोड की प्रैक्टिस हो जाए, बहुत धूप है लेकिन अभी कर सकता हूँ। ये देखो समी विच आई मेड, तो हमने दिल पे हाथ रख के छत पे फ्लिप मारने की ट्राई में हमारा ड्रोन
क्रैश नहीं हुआ बट मैंने बंद कर दिया, नीचे गिर गया, लेकिन इसमें हमारे जो वायर्स थे वो कट गए, तो उसको मैं फिर जोड़ूंगा, बट हमारा ड्रोन सही से उड़ जा रहा था, सो दैट वाज फाइन। तो आफ्टर द फ्लाइट ये भाई मेरा टूट गया, मतलब इसमें सॉरी टूटा नहीं है, इसका जो वायर है वो कट गया, तो अब उस पर थोड़ी टेपिंग कर देते हैं और देखते हैं कुछ डैमेज तो नहीं है अंदर। इसको मैंने अभी खोला है यार, अगर इधर देखो तो ये वायर ना कट गया, बेसिकली हमारा जो प्रॉप था ये नीचे गिरा और ये वायर ऊपर आया होगा, इस ब्लेड से कट गया। यहाँ पे देखो तो मैं दिख भी रहा होगा, ये साइड में इसकी साइडें इतनी शार्प नहीं है फिलहाल। तो मेरे पास अभी सिर्फ एक टेप था, उससे मैंने इसको प्रोटेक्ट किया इसके वायर को, और फिर तो सही हो गया था भाई, अब हमारा नहीं कटेगा जब उड़ाएंगे हम। तो एकदम मैंने टेप लगा दिया भाई, ये रहा, वापस जोड़ देता हूँ। ओके, तो आप एक लेवल थोड़ा सा ऊपर करते हैं, पता नहीं लेवल ऊपर है नीचे क्या है, बट मैं पार्किंग में जाके ड्रोन उड़ाने की कोशिश करता हूँ, प्रैक्टिस होगी क्योंकि बहुत सारी कार्स हैं तो ऑब्स्टिकल से हमारी प्रैक्टिस होगी। लेट्स गो। तो इधर भी मैं यार उड़ा ले रहा हूँ यार, अब मैनुअल मोड में भी उड़ा ले रहा हूँ जिसमें मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करता जा रहा हूँ वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और फॉर पीपल, मैं सिमुलेटर में यार काफ़ी कम प्रैक्टिस कर पाता हूँ बिकॉज मुझे अपने लैपटॉप में नहीं अपना कंट्रोलर कनेक्ट करना है, फॉर एक्स वाई जेड रीज़न नहीं शेयर करना चाहता हूँ, बट यहाँ पर मैं क्रैश नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पर तो उड़ा ले रहा हूँ ऑब्स्टिकल के बीच से, बट जो नेक्स्ट चैलेंज मेरे लिए जो मुझे इम्प्रूव करना है वो ये करना है, इतनी छोटी स्पेस में फ्लिप और फुल एक्रोबैटिक फ्री स्टाइल में मुझे उड़ाना है। बट स्टिल यहाँ पे ये चीज़ करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे हम उड़ा ले रहे हैं, बहुत बार आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है लेकिन कंट्रोल हो गई ये स्पीड। अब मैनुअल में उड़ाने में मज़ा भी आ रहा है, देख सकते हो तुम यहाँ पर।